खबर भीमताल से है। अतिक्रमण को लेकर सड़कों किनारे बैठे छोटे दुकानदार इन दिनों काफी परेशान है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में दुकानों को हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोग चिंतित हैं। व्यापारियों के चेहरे से मुस्कान गायब है, जिसको लेकर भीमताल ब्लॉक में ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष हेमा आर के नेतृत्व में ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट को विज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि मैं इसको अतिक्रमण नहीं कहता, क्योंकि वह सरकार को बिजली का बिल, पानी का बिल से राजस्व दे रहे हैं। अगर ये अतिक्रमण तो इसके लिए अधिकारी कर्मचारी सब दोषी हैं। वर्तमान में भारी बारिश को देखते हुए अतिक्रमण पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। लोगों के पास रोजी रोटी चलाने के लिए मात्र छोटी छोटी दुकानें ही साधन है। सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, जहाँ तक अतिक्रमण आप कह रहे हो ना, अतिक्रमण, मैं अतिक्रमण उसको इसलिए नहीं मानता हूँ, उनको आप लोगों ने बिजली का कनेक्शन दिया है, आपने पानी का कनेक्शन दिया है, बैंक ने उनको लोन दिया है, जब सरकार की सारी योजना उनको मिल रही, तो उनको अतिक्रमण कहना थोड़ा सा गलत लग रहा। मैं समझता हूँ कि आज सरकार को एक नई नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सिविल भूमि है आपके पास, वन पंचायत है, फॉरेस्ट पंचायत है आपके पास, पेनाप नाप जो भी भूमि है, वर्ग चार है, तो उसमें सरकार को एक अभी नई नीति बनानी चाहिए कि एक वेंडर जोन बना करके जो जो ज़मीनें हैं उनको करने के लिए कोर्ट से समय मांगना चाहिए। और कोर्ट समय दे भी देगा कि क्योंकि इतनी जल्दी समय आपदा का समय है, इतनी जल्दी अतिक्रमण नहीं टूट सकता, क्योंकि इस समय लोगों को राहत देने का काम है, न कि लोगों के मकान तोड़ने का। तो मैं समझता हूँ अगर सरकार चाहेगी, सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तो अतिक्रमण रुक सकता है। और रुकने के अलावा आगे अतिक्रमण ना हो, ये भी हमें व्यवस्था करनी पड़ी। जिस समय अतिक्रमण होता है, कोई अकेले उसके वजह से नहीं होता, उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी सब शामिल रहते हैं। और दूसरा मेरा एक सुझाव और है, अगर अगली बार अतिक्रमण होता है तो संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान और आपके जो वहाँ का रेंज ऑफिसर, उसको पटवारी और एसओ, जितना है इनके, इसकी जवाबदेही तय की जाए कि आगे में भविष्य में अतिक्रमण न हो, और जो अभी रह रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई सरकार रास्ता निकाले। ये मेरा सुझाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।